अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। जब हम नाइट में देखते हैं स्काई की तरफ तो कुछ तो क्या होता है, बहुत ज्यादा डैजलिंग स्पॉट्स होती हैं लाइट की, बहुत ज्यादा ट्विंकल करते हैं, वो स्टार्स होते हैं। ठीक है, स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, वो अपने पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। बट क्या होता है कि कुछ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्टार्स नहीं होते, स्टार्स की तरह लगते हैं। और डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं बट वो ट्विंकल नहीं करेंगे, और वो होते हैं हमारे प्लैनेट। अब प्लैनेट एक ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड आया है एंड उसका मतलब क्या होता है, वैंडरर। वैंडरर मतलब कि समथिंग जो कि घूमती रहती है अराउंड, वो चारों तरफ घूमती रहती है, तो दैट इज द ग्रीक टर्म प्लैनेट। अब प्लैनेट्स में खुद की लाइट तो होती नहीं है, और दे शाइन ड्यू टू लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द सन। सन से वो लाइट उन पे गिरती है और उस लाइट को रिफ्लेक्ट जब करते हैं तो भी हम उनको देख पाते हैं। अब क्या है कि 8 प्लैनेट्स होते हैं, हमारा जो सन है उसके अराउंड 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं इंक्लूडिंग आर अर्थ। तो इनको सीक्वेंस से ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, अब इसमें पहले कभी कभी प्लूटो भी आता था बट अब उसको हटा दिया गया है प्लैनेटरी सिस्टम से। पहले के बुक्स में 9 प्लैनेट्स दिए गए थे बट नाउ अब हम 8 प्लैनेट्स ही पढ़ते हैं, और प्लूटो को हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि वो साइज में स्मॉल है। अब जो प्लैनेट्स का नेम है ना वो ग्रीक गॉड्स और गॉडेसेस के ऊपर बेस्ड है, और प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड एक फिक्स पाथ में घूमते हैं, उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं, और अर्थ, हमारे अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अब अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अर्थ है ना ये मोस्टली सी से बनी हुई वाटर है इसमें, तो वो ब्लू कलर का नजर आता है इसलिए हम उसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। एंड आवर अर्थ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्लू कलर मार्बल फ्रॉम स्पेस। कैसी लगती है ब्लू कलर का, जैसे कोई पंचा होता है ना जिससे हम खेलते हैं, तो उस तरह से हमारी अर्थ नजर आती है। ठीक है, और हम प्लैनेट्स को टेलीस्कोप की हेल्प से इजीली देख सकते हैं। और हमारा जो ये सन और दूसरे प्लैनेट्स हैं इनको टुगेदर हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। अब हम देखेंगे सैटेलाइट्स क्या होते हैं। सैटेलाइट्स क्या होते हैं, स्मॉल हेवनली बॉडीज होती हैं जो कि प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, और कुछ प्लैनेट्स की खुद की सैटेलाइट होती है। और हमारी नेचुरल सैटेलाइट क्या है, अर्थ की मून, हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून। अब प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग उनका नंबर ऑफ मून्स इस फ्लो चार्ट टेबल में दे रखा है, जिसमें इंडियन नेम भी दे रखा है प्लैनेट का एंड नंबर ऑफ मून्स भी दे रखा है, और उनका ऑर्डर दे रखा है सन से कौन से नंबर पे वो आता है, डिस्टेंस कौन सा है उसका, एंड उनके बारे में कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। तो ये हम देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद होने चाहिए, ये हमें पता होने चाहिए। जैसे मार्स के फॉर एग्जाम्पल 2 मून होते हैं, हमारा अर्थ का 1 होता है, एंड जुपिटर के सबसे ज्यादा होते हैं, दैट इज 69। सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सबसे ज्यादा मून्स किसके होते हैं, दैट इज प्लैनेट जुपिटर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। और क्या होता है कि सोलर सिस्टम कैसे मेंटेन है, जो सन ग्रेविटेशनल पुल मेंटेन करता है, उसका जो गुरुत्वाकर्षण है उससे, उसकी वजह से ये प्लैनेट्स को खींच के रखता है और इनको एक ऑर्बिट में अलाइन रखता है, और ये चारों तरफ इसके घूमते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लैनेट्स एंड द सोलर सिस्टम, एंड नाउ वी विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो।